हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुल्क की फजा पर 22 रोज से छाए धरने के बादल छट गए। वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा वजीर आजम ने मंजूर कर लिया। मुआहदा कायदीन का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर हयात को शाम तक फैजाबाद खाली करने की यकीन दहानी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने खत्म होने लगे। कराची में जगह जगह दिए गए धरने खत्म कर दिए गए। नुमाइश सुराब कोर्ट टावर और दीगर मकामात पर बंद रास्ते खुल गए। मार्केट्स और बाजार भी खुल गए। कारोबारी जिंदगी बहाल होना शुरू। धरना कायदीन कौन होते हैं जो आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करें? आर्मी चीफ कैसे सालिस बन सकते हैं? ये तो लग रहा है किसी के कहने पर हुआ। जिन फौजियों को सियासत का शौक है वो फौज छोड़कर सियासत में आ जाएं। फौज फखर है, इसमें हमारे बेटे शामिल हैं। हम फौज के शाना बशाना खड़े हैं। फैजाबाद धरना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना ऑपरेशन की नाकामी की रिपोर्ट रोज में पेश करने का हुक्म। मुजाहिरीन के पास मास्क, आंसू गैस शेल और दीगर अशिया कैसे आईं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर दाखला से इस्तफसार, रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत। इसका जवाब तो धरने वाले ही दे सकते हैं, एहसन इकबाल का जवाब। कहा मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल थी, मुल्की मुफाद की खातिर सब किया। तहरीक लब्बैक जाहिद हामिद के खिलाफ फतवा जारी नहीं करेगी। हुकूमती एक्शन के खिलाफ इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। 30 दिन में खिलाफ कार्रवाई होगी। राजा जफरुल हक की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। गिरफ्तार शुदगान पर मुकदमा खत्म करके रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत और धरना कायदीन में मुआहदे के नुकात। मुआहदे में आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया गया। इंतखाबी तरमीमी बिल तमाम जमातों की मुशावरत से पेश किया गया मगर सिर्फ जाहिद हामिद बनाया गया। इस मामले पर सियासत की गई, एहसन इकबाल का ट्वीट। कहते हैं यकीनी बनाना होगा कि फिरका वाराना या मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर दोबारा ऐसा वाकया पेश ना आए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब की आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। एक घंटे बाद होगा बरवक्त इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों से मुतालिक बिल आज पेश होना है मगर हुकूमत और ओपोजिशन में मामला तय ना हो सके। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, हल्कों में तश्वीश। कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल किए गए जोड़े की लाशें बरामद कर ली गई। अलग अलग मुकामात पर दफन किया गया था। कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वजीर आला सिंध की हिदायत। सेवन में दरगाह पर खुदकुश हमला करने वाले को घर पर पनाह दी थी। मुल्जिम नादिर का कराची की अदालत में एतराफ। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान पर अपील गैर मुअसर करार देते हुए खारिज कर दी। चीफ जस्टिस कहते हैं बाज वकील अपनी सियासत के जरिए अदालतों को बर्बाद करना चाहते हैं। अदालतों की तजहीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के पास हर किसी से की ताकत है।
जाम शोरों के इलाके नूरियाबाद के करीब ट्रेलर की वैन को टक्कर, खातून समेत 7 अफराद जाम भाग, 5 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हड़ताल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर सन्नाटा।